नमस्कार, मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर, वक्त हो चला है हलचल इंडिया पर आज की बड़ी खबर का। राष्ट्र नेतृत्व के आह्वान पर टोल फ्री हुए हैं, क्योंकि मुरादाबाद में हमारे जो किसान टोल पर बैठे हुए थे वहाँ पर उनके खिलाफ टोल प्रशासन ने कार्रवाई की है, उन्हें नोटिस जारी किए हैं। उसी के उसमें राकेश टिकैत जी के आह्वान पर पूरे यहाँ मुजफ्फरनगर में, पूरे प्रदेश में सब टोल फ्री कर दिए, और जब तक मैं नोटिस वापस नहीं होगा, प्रशासन पीछे नहीं हटेगा, तब तक हमारा ये टोल फ्री ऐसे रहेगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा, और इन काले कानूनों को भी वापस सरकार को लेना पड़ेगा। उसके लिए चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। अब तो हमारे लिए करो या मरो की स्थिति है। हमारे लिए टिकैत साहब सर्वमान्य है, हमारे प्रधानमंत्री टिकैत साहब है, हमारे मुख्यमंत्री टिकैत साहब है, जो उनका आदेश होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा। और काले कानून वापस न हो, काले कानून वापस लेने पड़ेंगे सरकार को,
जो भी किसान संयुक्त मोर्चा का आह्वान होगा आगे तो हम उसी पे काम करेंगे। फिलहाल टोल फ्री करने का आदेश आया है, आप लोग देख रहे हैं हमने सारे टोल फ्री यहाँ कर दिया है। सदर तहसील के अंतर्गत दो टोल आ रहे, दोनों टोल हमने फ्री किया, छपार भी और ये मुजफ्फर यहाँ रोहाना भी, और उसके बाद वो दुराड़ा वहाँ मेरठ में वो भी फ्री होगा, सब टोल फ्री होगा। तो क्या यहाँ अब किसान यूनियन के जो पदाधिकारी क्या बढ़ने वाले हैं आदमी? हाँ, यहाँ सब लोग यही है, सब धरने बैठे हुए, सब यही जा रहे हैं, यही पर कोई लोग यहाँ से गए नहीं है, और लोग गाँव में से आने लग रहे हैं, तो सबको मैसेज होगा, सब लोग आने लग रहे हैं। लगभग कितने आदमी हो जाएंगे यहाँ? यहाँ तो बहुत ही आदमी हो जाएंगे, यहाँ तो फिलहाल तो सोशल डिस्टेंसिंग का हम पालन कर रहे थे, कम ही आदमी, सीमित आदमी है, अगर यहाँ आदमियों की आवश्यकता पड़ी तो यहाँ इतनी आदमी हो जाएंगे कि गिनने भारी हो जाएंगे। ये सब लोग यहाँ जितना क्षेत्र है, सब देहात लोग यहीं पर आए हैं।